गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये क्लास थर्ड की हॉलीडे होमवर्क बुक है। इसके एक्सरसाइजेस मैंने आपको करने के लिए दिए थे, उनके सॉल्यूशन भी सेंड कर दिए और आज आपको समझा भी देता हूँ, ठीक है। वर्कशीट वन, इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ एज इट इज़ राइटिंग करनी है इसको यहाँ तक, और इसमें भी आपको राइटिंग करनी है, ठीक है। इनमें डेट डाल के अपना काम करते हैं। वर्कशीट थ्री है, राइट फ्यू सेंटेंस ऑन द टॉपिक बटरफ्लाई, एक तितली है ना, उस पर आपको कुछ एक टॉप लाइन लिखनी है ऐसे टाइप में। तो बटरफ्लाइज हैव डिफरेंट ब्यूटीफुल कलर्स, मतलब अलग अलग कलर होते हैं, विभिन्न प्रकार के कलर होते हैं बटरफ्लाई के। दे आर फ्लाइंग इंसेक्ट, वो क्या है, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े होते हैं, वो फ्लाइंग ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो उड़ सकते हैं। दे हैव टू विंग्स, उसके दो पंख होते हैं। दे आर मोस्टली फाउंड इन द गार्डन, वो गार्डन में पाई जाती हैं। दे हैव सिक्स लेग, उसके कितने, छः लेग होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मैंने लिख दिया। रीड द वर्ड एंड राइट इन द अप्रोप्रिएट, ये एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और थिंग्स। नीचे देखिए, टाइगर, कंप्यूटर, महात्मा गांधी, एलिफेंट, अनुज और शिप, इनमें से एनिमल्स कौन से हैं वो तो यहाँ लिखने हैं, इसमें से जो ह्यूमन बींग्स है वो यहाँ लिखने हैं, थिंग्स हैं वो यहाँ लिखनी है। कोई मुश्किल नहीं था, आप खुद कर लेते, फिर भी मैंने करवा दिया। एनिमल्स क्या है, टाइगर और एलिफेंट है। ह्यूमन बींग्स महात्मा गांधी और अनुज है। थिंग्स हमारे क्या है, शिप और कंप्यूटर, ये हमारी वस्तुएं मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यूज़ द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन देने जो चेहरे के भाव वगैरह होते हैं या वर्ड्स ऐसे बोलते हैं। कैन यू गिव मी योर बुक, जब हम किसी से कोई चीज़ मांगते हैं तो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ बोलते हैं, तो प्लीज़। वाह, व्हाट ए ब्यूटीफुल रेनबो, आश्चर्य के अचंभा हो, उसमें हम वाह यूज़ करते हैं। आई रियली मेड ए बिग मिस्टेक, जब बहुत बड़ी कोई हमसे मिस्टेक हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं, क्षमा कर दें हमें, पार्डन। तो जब हम इसको गिफ्ट देता है तो हम क्या बोलते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस गिफ्ट। एक्सक्यूज़ मी, मे आई नो द वे टू कंप्यूटर लैब, जब हम किसी से कुछ पूछ रहे होते हैं क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज़ मी, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को दोबारा करने के लिए बोलते हैं या किसी को, तो वो यहाँ पे रिपीट करने के लिए क्या हो, सॉरी, कुड यू रिपीट द कॉन्टैक्ट नंबर वंस अगेन, तो यहाँ पे सॉरी। आगे देखिए, मेक सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ये वर्ड्स देखें, फ्लावर, क्लाउड, विंड, रेनबो और रेन, ये वर्ड्स दे रखे, इनको आपको किस में सेंटेंस बनाने हैं, आपको वाक्य बनाने थे। तो फ्लावर, रोज इज ए नेम ऑफ फ्लावर। क्लाउड, द सन इज बिहाइंड द क्लाउड। विंड, विंड इज ब्लोइंग। रेनबो, व्हाट ए ब्यूटीफुल रेनबो, इट मे रेन। तो ये आपके सेंटेंसेस बना दिए, वर्कशीट थ्री है। वर्कशीट फोर देखिए, राइट सिक्स वर्ड एंडिंग विद द आई ई एस, की ऐसे वर्ड लिखने हैं लास्ट में जिसके आई ई एस आए। तो आर्मीज आई ई एस है, स्टोरीज आई ई एस है, बेबीज आई ई एस है, फैमिली फैमिलीज, सिटीज हैबीज, सब के क्या है, आई ई एस है, और हमें यही बता। अब ये ट्रैफिक नियम के कुछ सिग्नल्स हैं, ठीक है, जिनको हम रोड पे देखते हैं, तो आपको ये बताने ये किस चीज़ के सिग्नल, इस प्रकार का कोई सिग्नल होता है रोड पे आप देखते हो तो उसका मतलब क्या होता है, नो यू टर्न, कि आगे से आपको यू टर्न नहीं करना, इस प्रकार का सिग्नल होगा वो भी नो पार्किंग। कई बार यहाँ पी नहीं लिखा होता, कई बार पी लिखा होता है, ये भी आपका नो पार्किंग का है। इस प्रकार का सिग्नल हो तो इसका मतलब रेलवे क्रॉसिंग है, और जेब्रा क्रॉसिंग मतलब पैदल चलने वालों के लिए बना रखे ये सिग्नल्स हैं। राइट थ्री रीजन वाई वी शुड नॉट कट ट्रीज, हमें पेड़ क्यों नहीं काटने चाहिए, उसके तीन रीज़न। फॉर प्योर एयर, ताकि शुद्ध हवा मिल सके। ट्रीज हेल्प इन कंट्रोलिंग द टेम्परेचर, तापमान, पेड़ नहीं होते वहाँ ज़्यादा गर्मी होती है। टू मेंटेन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन मिलती है क्योंकि पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है, तो वो उसको मेंटेन रह सके इन चीज़ों के लिए। राइट द सिंगुलर, बेबी का, बेबीज का सिंगुलर होगा बेबी, सिटीज का क्या होगा सिटी, हॉबीज का क्या होगा हॉबी, आर्मीज का क्या होगा आर्मी। वाई हट के आई एस लगता है ना, वो नियम बता रखा आपको ये। अब इसमें देखिए, ई में मेक वर्ड जस्ट एंडिंग वन लेटर, कि आपको वन हैज़ डन फॉर यू, देखिए के आई टी दे रखा है, और यहाँ देखिए के आई टी ई लास्ट में क्या लगा दे, ई, तो कह रहा है कि एक वर्ड, एक लेटर लगाना है और आपको वर्ड बनाना है। तो काइट था, तो यहाँ एक लगा दे ई, एस एम आई एल, मैंने क्या लगा दिया ई, एस आई एम एल ई, स्माइल बन गया वर्ड। एफ एल ओ ए, एफ एल ओ ए टी लगा दिया, फ्लोट। S O U N, S O U N D, साउंड। C S E, C S E K, चीक, ये आपके हो गए, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट वर्कशीट देखिए, नेम सिक्स ट्रीज विच बियर फ्रूट, ऐसे ट्रीज लिखने जिन पे आपको फ्रूट लगते हैं, सभी पे लगता है, मैंगो, एप्पल, दो एग्जाम्पल मैंने, गवावा, इस प्रकार के आपके छह लिखने आप लिख लोगे। राइट सिक्स वर्ड एंडिंग वी ई एस लगता है, नाइव्स, वाइव्स, थीव्स, काव्स, लिव्स और लीव्स, देखिए सबके पीछे वी ई एस, वी ई एस, वी ई एस लगे हुए ना,
ठीक है। अब इनको आपको सेंटेंस बनाने, सॉरी, थैंक यू, वाओ, एक्सक्यूज मी, सॉरी, आई एम सॉरी फॉर लेट, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग अस, वाओ, यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल, एक्सक्यूज मी, मे आई बोरो ए पेन, ठीक है। अब यहाँ रीअरेंज द जम्बल वर्ड्स दे रखे हैं, मतलब आपके उल्टे पुल्टे हैं, इनसे आपको एक वर्ड बनाना है, क्या है देखिए, सनफ्लावर, एस यू एन एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, इन्हीं में है, देखिए एस यू एन एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, सनफ्लावर, आर ओ एस ई, आर ओ एस ई, ठीक है, एल ओ टी यू एस, लोटस, ठीक है, मैरीगोल्ड, एम ए आर आई जी ओ एल डी, मैरीगोल्ड, ये भी फूल का नाम है। उसके बाद प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो कोई भी नाम हो, चाहे वस्तु का हो चाहे प्लेस का हो, कोई भी नाम होगा वो क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन। तो ताजमहल क्या है, नाम है बिल्डिंग का, एप्पल फ्रूट का नेम है, अमित बॉय का नेम, भगत सिंह बॉय का नेम है, मैंगो ट्री पेड़ का नाम है, तो ये सारे क्या हैं आपके प्रोनाउंस, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो अब ये मैंने आपको समझा भी दिए, अब आप अपनी इन एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना बेटा, थैंक यू।